हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार। आज हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन को लेके आए हैं और आज मैं थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश की है। अभी तक हम क्या करते थे कि हम एक टॉपिक उठा के बात करते थे, उस पर बताने की कोशिश करते थे कि कैसे इस प्रोविजन के क्या इम्पैक्ट हैं, किस तरह से चीज़ें हो पाती हैं और कैसे उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। आज मैंने जो मेरा टॉपिक है वो है TDS ऑन प्रॉपर्टी परचेज बाई रेसिडेंट। अगर आप इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, NRI नहीं होना चाहिए। NRI के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो अलग से आएगा। उसको मैंने FAQ फॉर्मेट में बात करने की कोशिश करूंगा, यानी कि मैं रादर ये बात करूं कि कैसे टैक्स है, किस तरह से, उससे ना बात करके मैं बहुत सिंपल शब्दों में एक एक क्वेश्चन उठाऊंगा FAQ फॉर्मेट में और उसका आंसर देते जाऊंगा। और वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज इंडिया में करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज TDS ऑन प्रॉपर्टी। पहली चीज़, TDS का मतलब ये होता है कि TDS जब भी आप किसी को कुछ पेमेंट करते हैं और उस पर कोई अमाउंट काट के गवर्नमेंट को जमा किया जाता है, उसको TDS बोलते हैं। इसको फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। अगर आप इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा है, सही सुना, 50 लाख के नीचे ये एप्लीकेबल नहीं है, आपको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रोसीजर भी आगे बात करूँगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख के ऊपर है तो आपको टोटल अमाउंट पर, अगर 51 लाख है तो 51 पे, ये नहीं कि केवल 1 लाख पे, यानी कि जो भी अमाउंट ऊपर होगा उस पर 1% TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करना है। पहली चीज, यानी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। दूसरा, अगर क्या मैं कोई बिल्डर से कोई बाई कर रहा हूँ फ्लैट और अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ पे भी ये लॉ अप्लीकेबल हो जाता है कि अगर आप जो भी फ्लैट या जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है खरीद रहे हैं और उसकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर भी 1% का TDS जैसे जैसे आप पेमेंट करेंगे वैसे वैसे जमा करते रहना होगा। यानी कि अगर आज लेट्स अज्यूम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और आज 20 लाख उसका जो फ्लोर लिंक प्लान होता है उसके अकॉर्डिंगली आज 10 लाख का पेमेंट करें, आपको 10 लाख पे TDS काटना है। अगर आपने 5 लाख किया तो उसमें 5 लाख पे TDS काट के आपको 1% जमा करना है। ये मैंडेटरी क्लॉज है अगर आप 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है TDS पे करने के लिए। तो मैं बहुत क्लियर समझा दूं, जो भी इंडिविजुअल बाई कर रहा है, अगर मैं बायर हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट TDS पे करूं 1%, यानी 1% मुझे TDS पे करना है। अब मैं बात करता हूं कि क्या आप ये बहुत बार ये लोग पूछते हैं कि मुझे क्या लेना है, मैं कैसे पे करूंगा, इसका प्रोसीजर हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है और ये ना सोचे कि अगर आपने पैसा बिल्डर को दिया तो बिल्डर पे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि अगर आपका जो भी TDS, जैसे मैं कहूँ कि 1 करोड़ की मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपये रख लूँगा, 99 लाख उसे पेमेंट करूँगा, 1 लाख रुपये मैं TDS जमा कर दूंगा और 1 लाख का जो चलान है, जो चलान बोलते हैं हम उसको, उस चलान को रजिस्ट्री के समय आपको डिपॉजिट करना होता है। तो बहुत क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि एक सेलर है जिसके पास पैन कार्ड ही नहीं है। हो सकता है कि हमारे कोई सीनियर हमारे फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पास पैटर्नल प्रॉपर्टी थी लेकिन पैन कार्ड नहीं था। इस केस में मैं क्या करूँ? ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, स्पेशली Tier 2 and Tier 3 शहर में। उस केस में एक चीज़ आप समझ लें कि जब TDS पे करना है आपको पैन के अगेंस्ट पे करना है, तो जिस व्यक्ति ने को सेल करना है उसे अपना पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। कोई च्वाइस नहीं है आपको, क्योंकि जो ये रिफ्लेक्शन होगा ये पैन कार्ड के अगेंस्ट होगा, यानी आपको पैन कार्ड जो सेलर है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ कोई च्वाइस नहीं है। अब एक नया क्वेश्चन आता है, जनरली ये TDS को लेकर बड़ा भ्रांति है, कन्फ्यूजन है। अब मुझे ये बताएं कि लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या मुझे टैन नंबर भी लेना होगा। टैन नंबर क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टैन नंबर होता है कि जब भी आप कुछ टैक्स पे करते हैं तो एक टैन के अगेंस्ट में पे करना होता है। प्रॉपर्टी जब रेसिडेंशियल, जो रेसिडेंट है उसके थ्रू अगर आप खरीद रहे हैं, वहाँ पर आपको टैन नंबर की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल, NSDL के साइट पर जाके सेलर और बायर की इंफॉर्मेशन को भर के आप उसको आराम से पे कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट के, इजीली पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि
मैं क्या फैसिलिटी यूज करूं टीडीएस पे करने के लिए, तो पहली चीज एक समझ लें कि बहुत से बैंक जो हैं वो भी ऑथराइज हैं, वो आपके बिहाफ पे टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसान होता है आप एनएसडीएल की साइड में जाएं और वहां पे 26QB एक फॉर्म होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 26QB में आपको जाके सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं, बायर और सेलर का, सेलर किस प्राइस पे आप बेच रहे हैं, किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, डेट ऑफ बाइंग क्या है, एड्रेस क्या है, और वहाँ पे आपको अमाउंट डाल के ऑनलाइन पे कर देना होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप, बहुत ऐसे ऑथराइज बैंक्स हैं जो कि आपके बिहाफ में ये काम करते हैं, तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया 26QB, ये क्या होता है। 26QB एक फॉर्म है जिसके थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं और उसी के अगेंस्ट आपका टीडीएस जमा होता है, उसी में पैन नंबर डाला जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिना पैन नंबर के नहीं हो सकता, आपको पैन नंबर वहां डालना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका पेमेंट आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन ये है कि दो ज्वाइंट ऑनर थे, जब जो ज्वाइंट ऑनर थे तो क्या करें, दो जो ज्वाइंट ऑनर थे तो उस केस में बात करने की जरूरत यह है कि अगर आप दो ऑनर हैं तो आपको दोनों के नाम पे वो टीडीएस जमा करना होगा और उसका जो प्रोपोर्शनेट होगा, जिस तरह से वो ऑनर होंगे, अगर इक्वली हैं तो इक्वली उनको उस हिसाब से जमा करना। जैसे कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और मैं दो भाई हूँ और दोनों भाई इक्वल पार्टनर है उसमें, तो 50 लाख मेरे नाम पर जाएगा, 50 लाख मेरे भाई के नाम पर, तो जो टीडीएस होगा हमारे दोनों नाम पे सबमिशन होगा, यानी कि आपको उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। तो पहली चीज़ आप जान लें कि अगर आपने टीडीएस जमा नहीं किया है तो आप आज की डेट में प्रॉपर्टी बाइंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास जब रजिस्ट्री के लिए आप जाते हैं, तो रजिस्ट्रार आपसे पूछता है कि क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख के ऊपर है। अगर आप कहते हैं तो सबसे पहले आपसे टीडीएस मांगता है कि टीडीएस का चलान आप मुझे दें, उस रजिस्ट्री के साथ उसे सबमिशन देना होता है। तो अगर आप 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो टीडीएस जमा करना ना भूलें 1%। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप जब भी कोई सामान प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं तो ये बायर के लिए और सेलर के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रॉपर्टी इंडिया में बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो ये प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जबकि 50 लाख के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है या कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमने आंसर नहीं किया है, आप कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसके रिप्लाई करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की है जो कि 50 लाख के ऊपर थी और आपने टीडीएस जमा नहीं किया है, उसके अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेज या कोई प्रॉब्लम है तो आप वो क्वेश्चन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।